नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। देखिए, दांत की बात जब करते हैं, जब किसी की खूबसूरती की बात हो या जवानी की बात हो, तो सीधा लोग कहता है कि दांत टूट गया, बुढ़ापा आ गया। यानी कहीं ना कहीं दांत आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाता है, आपका यूथ होना भी दर्शाता है। इसलिए दांत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। और इसका ख्याल कैसे रखें, इसमें क्या समस्या आती है, उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, इन तमाम बातों के लिए आज हम मुजफ्फरपुर के एक जाने माने डॉक्टर पूजा कुमारी के पास पहुंचे हैं, जिनसे हम इन दांत की समस्या को लेकर, कौन सी समस्या ज्यादातर दांतों में आती है और उस समस्या को कैसे दूर किया जाता है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा। पूजा जी, सबसे पहले स्वागत है। जी जी, नमस्कार सर, थैंक यू। दांत को लेकर बहुत तरह की बातें आती है, खासकर लोग कहते हैं कि दांत की खूबसूरती। जी जी, कितना भी खूबसूरत हो, जब मुंह खोल दे और दांत गड़बड़ हो, जी खूबसूरती थोड़ा खत्म। तो दांत की खूबसूरती कैसे बनाए रखना है, क्या है, इसके लिए थोड़ा सा बताइए। दांत की खूबसूरती बनाने के लिए सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन करना है कि दो टाइम ब्रश कीजिए, सुबह और शाम को दो टाइम ब्रश करिए प्रॉपर टूथपेस्ट के साथ। और जैसे ही लगे कि काला हो रहा है दांत, या दांत घिस रहा है, या दांत से ब्लीडिंग आ रहा है, या गम्स आ रहा है, तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाकर के उसका कंसल्ट कीजिए। थोड़ा मोड़ा पैसा के लिए ये नहीं कि इधर उधर क्वैक के पास चले गए, लोकल में कहीं चले गए, दिखवा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, लास्ट में जा करके पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब खूबसूरती और दांत को कमजोर करता है। दांत कमजोर हो जाने के बाद वही गिरने लगता है, फिर वो निकल जाता है। तो ये सब ध्यान देना होगा। दांत में कीड़ा लगता है, कीड़ा लगने का थोड़ा सा कीड़ा लग गया उसको फीलिंग करा लीजिए। कम पैसा कीड़ा लगता है, कारण ये है कि आपको कुछ भी मीठा खाते, या तो पहले तो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, खाना खाए, ब्रश नहीं किए, अच्छा से कुल्ला नहीं किए, और ऊपर से मीठा कुछ खाए, तो वो अब कुल्ला कर लीजिए, हाइजीन मेंटेन नहीं किए। और ये थोड़ा सा जेनेटिक भी होता है, ये भी है। और भाई सबसे प्लस तो ब्रश है, गैस्ट्रिक का इसमें ज्यादातर देखा गया है, एजेड लोगों में ज्यादा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है, उनका दांत खिंच जाता है। गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, तंबाकू, ये सब सेवन से। ये भी कहा जाता है कि बहुत गर्म या बहुत ठंडा चीज नहीं लेना चाहिए, उससे भी दांत गड़बड़ होता है। हाँ, बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म एक साथ नहीं लेना चाहिए, जिससे दांत में सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। दांत घिसने के कारण से ही दांत में सेंसेशन स्टार्ट होता है। और नॉर्मल शौक है, जहाँ भी गए चाय मिल गया, गर्म चाय पी लिए या कोल्ड ड्रिंक्स मिल गया, तो क्या ये सब भी दांत को असर करता है? ये सब तो बहुत ज्यादा असर नहीं करता है, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा बहुत ज्यादा है, कोई भी चीज एक्सेस होने पे तो वो है, और बहुत ज्यादा ये सब दांत पे असर नहीं करता है। दांत के लिए मेन ही है कि आप हाइजीन मेंटेन कीजिए, प्रॉपर ब्रश कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने डेंटिस्ट, लोकल डेंटिस्ट के पास जाकर के दिखवाइए उसके लिए। ये तो नॉर्मल समस्या है, गंभीर समस्या क्या हो सकती है? गंभीर समस्या है कि पैर गया हुआ, वो भी एक तरह से गंभीर ही है। ज्यादा केरीज लग गया, उसको ट्रीटमेंट नहीं कराए तो फिर आरसीटी करना पड़ जाएगा, आरसीटी करके फिर उसमें कैप लगवाइए, या फिर वो भी नहीं करवा रहे हैं तो दांत निकालना पड़ जाएगा, निकाल करके फिक्स आप दांत लगवाइए, या फिर इम्प्लांट करवाइए। ये सब जैसे जैसे छोटा डिजीज है, छोटा बीमारी है तो कम पैसा, जैसे जैसे धीरे 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 बढ़ता है वैसे वैसे पैसा का चार्ज भी ज्यादा बढ़ता है। इसलिए थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो दिखवा लीजिए। गाँव में लोग कहते हैं कि पैरिया एक बार हो गया तो वो ठीक नहीं होता। नहीं नहीं, पैरिया ठीक होता है, प्रॉपर इलाज करवाइए, सफाई करवाइए, स्केलिंग होता है, और दवाई खाइए प्रॉपर वो, और रेगुलर विजिट कीजिए तो वो जरूर ठीक हो जाता है। यहाँ पर जैसे दांत की समस्या को लेकर, अगर पहले आप बता रहे हैं कि कहीं क्विक से जल्दी नहीं इलाज कराना चाहिए, जी गंभीर समस्या हो जाती है। हाँ, वो क्या होता है कि उन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी दवाई दे देता है, इसलिए थोड़ा देर के लिए तो थोड़ा दिन के लिए आराम हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा के परमानेंट सॉल्यूशन वो लोग नहीं कर पाता है, ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है। तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाते ही है, जाना ही पड़ता है, लास्टली वहीं जाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ही आप डॉक्टर से ही मिलकर के ट्रीटमेंट कराए जो उचित है, जो सही है, वो लोग दवाई कुछ भी दे देंगे, थोड़ा दिन के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वो हमेशा। तो अपने क्लिनिक पर क्या कुछ सुविधा है? हमारे यहाँ हर एक चीज का, दांत का सफाई, दांत का क्लीनिंग, दांत में फीलिंग होता है, फिक्स लगता है, बतीसी लगता है,
दांत में पॉलिशिंग होता है, स्केलिंग साथ पॉलिशिंग होता है, आरसीटी है, कैप है, इम्प्लांट है, सारे चीज का यहाँ पे व्यवस्था है, ए टू जेड चीज, बच्चा से लेकर के और बड़े यंग सब कुछ सारे दांत में। बहुत अभी यंग लड़की लोग को देखते दांत आगे की तरफ निकल जाता है, उसका भी यहाँ पे होता है, ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, उस ऑर्थो ट्रीटमेंट के जरिए दांत को अंदर किया जाता है, सारी व्यवस्था। यहाँ पर कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग कोविड से इलाज कराते हैं और बाद में वो कैंसर तक सामने आ जाता है जी, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है ना कि क्या बीमारी है। गुटखा और तंबाकू खाने वाले लोग को देखते हुए जनरली मुंह नहीं खुलता होगा, मुंह नहीं खुलता तो वो लोग बस दवाई देते, उनको तो पता नहीं कि मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। वो तो इसमें जो कैंसर का फर्स्ट स्टेप होता है वो लोग नहीं जान पाते हैं क्या, ताकि वो क्यों क्विक है, पढ़े लिखे नहीं है तो वो कैंसर दवाई नहीं प्रॉपर चलेगा तो धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा और कैंसर तक पहुँच ही जाएगा वो। दूसरे जगह भेजते हैं, छोटा से काम चल जाता है तो यही पे कर देते, नहीं तो बाहर दूसरी जगह भेजते हैं। ये क्लिनिक कहाँ पर है, प्रोसेस बताइए। ये गोबरसही से जो डुमरी रोड के तरफ आते हैं 100 मीटर गोबरसही चौक से डुमरी की तरफ आने पे है, ये दाहिने साइड में है, बिहार डेंटल क्लिनिक नीलम मार्केट। क्या कहेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे, खासकर जो दांत के मरीज हैं उनसे? उनसे यही कहेंगे कि जो भी दिक्कत हो रहा है आपको, मुंह से बदबू या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, दांत हिल रहा है या कनकनाहट है या दांत देखने में गंदा और भद्दा दिख रहा है, वो आए और इलाज करवाए, उचित प्राइस पे, उचित पैसा पे यहाँ पे इलाज हो जाता है और अच्छा इलाज होता है, आए और एक बार। क्या गरीब लोग भी अपने दांत को खूबसूरत बना सकते हैं? जी जी जरूर, उन लोग के लिए भी हर एक तरह का व्यवस्था है, जो पैसा पेवल नहीं है उनको हम फ्री सेवा करते हैं, उनको फ्री सेवा देते भी है, ऐसा बहुत पेशेंट आए हैं उनको हम फ्री सेवा दिए हैं, उन लोग के लिए भी व्यवस्था, सब लोग के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। कोई यहाँ से 2-3 पेशेंट का देखे हैं, चेक किए हैं, उनको कैंसर निकला, उनको बड़े संस्थान में प्रेफर किए हैं, यहाँ से भी हम देखने के बाद, जांच करने के बाद पता चलता है कि हाँ इनको कोई बड़ा बीमारी है, कैंसर की तरफ जा रहा है, तो उनको हम ट्रांसफर किए हैं बड़े संस्थान में, तो उनका निकला है कैंसर और वो अपना इलाज करवाए हैं, फिर वो ठीक भी हुए हैं। ये थी डॉक्टर पूजा जो बता रही थी कि दांत को लेकर हमेशा लोग सीरियस नहीं हो पाते हैं, लगता है कि ये नॉर्मल समस्या है और वही बाद में एक गंभीर समस्या बन जाता है, तो बेहतर है कि जब भी कोई समस्या दिखाई दे, महसूस हो, तो शुरुआत दौर में ही आकर और अच्छे डॉक्टर से मिले और अच्छे डॉक्टर के परामर्श में आ जाएं, ताकि गंभीर समस्या न बन सके। समस्या को शारीरिक समस्या कोई भी हो, कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि सबसे बड़ा धन आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दांत की ही समस्या क्यों ना हो। दांत की समस्या को लेकर आमतौर पर लोग आसपास के कोई से डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं, लेकिन वही बाद में एक समस्या बन जाती है, बड़ी समस्या बन जाती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। डॉक्टर पूजा का कहना है कि अच्छे चिकित्सक के परामर्श में आ जाएं, ताकि छोटी समस्या वहीं ख़त्म हो जाए। उनकी क्लिनिक मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक पर है, जो काफ़ी जाने माने ये डॉक्टर हैं, तो उनका कहना है कि अच्छे डॉक्टर के संपर्क में, दांत का जब समस्या है तो अच्छे डॉक्टर के संपर्क में, क्विक के संपर्क में बिल्कुल ना आए। विकास कुमार मधु, वैशाली टुडे।